स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे रामपुर की। रामपुर में गड्ढे में भरे पानी में 5 बच्चों के डूबने का मामला सामने आया है। तो रामपुर जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां पानी के गहरे गड्ढे में नहा रहे 5 बच्चों के डूबने के साथ मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी बच्चों के शव को बरामद किया है। हादसे के बाद पूरे गाँव में मातम पसर गया है। जानकारी के मुताबिक हादसा रामपुर के थाना ठकिया की ग्राम पंचायत गदमर पट्टी के पास गहनी गांव में हुआ। जानकारी के मुताबिक यहां शरीफ नामक युवक ईंट भट्टा का है। ईंट भट्टा बनाने वाले भट्टे के पास मिट्टी खोदने के लिए गहरा गड्ढे की खुदाई की गई, जहां बारिश से इन गड्ढों में ऊपर पानी जमा हो गया था, जिसमें नहाते वक्त बच्चों के डूबने से मौत हुई है। इस मामले की जानकारी मिलने पर गाँव वालों ने बच्चों की तलाश शुरू की, जहाँ था थी ठकिया पुलिस को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद बच्चों के शवों को गड्ढे से बाहर निकाला। तो रामपुर से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां गड्ढे में भरे पानी में नहाते वक्त 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। यहाँ पता चला कि गदमर मोती से एक गांव है, उनके 5 बच्चे इधर बकरी चराने आए थे। जी जी जी। 7 बच्चे। जी जी। उसमें से 4 बच्चे जो है वो लड़कियां नहा रही थी, बगल में गड्ढा है उस बगल में ही है, उधर नहा रही थी। जी जी। वो नहाते नहाते वो चलते हुए आई है आगे वाले गड्ढे में। जी जी। जब डूबने लगी है तो एक आकिल नाम का लड़का जो उसकी उम्र भी 12 बरस है, लड़कियां 10 साल की हैं। अच्छा। तो 12 बरस का लड़का आकिल जब उसको बचाने की कोशिश किया तो वो भी नीचे गिर गया पानी में। अच्छा। 5 उसमें डूब गए हैं, ऐसा उसके साथ दो अन्य बच्चे यहाँ। तो यूपी में इन दिनों यमुना नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सहारनपुर में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जहाँ सहारनपुर में हादसे की खबर सामने आई। दरअसल जिले में यमुना नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसके कारण तिलकाना थाना इलाके में बिजली के 5 खंभे गिर गए थे। इन खंभों को ठीक करने पहुंचे सलीमपुर बिजली घर के जेई पानी के तेज बहाव में बह गए। इस मामले की जानकारी मिलने पर डीएम और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां घंटों तलाश करने के बाद भी जेई का कुछ पता नहीं चल सका है। जानकारी के मुताबिक बठेड़ बिजली घर के सेंधे बांस और गाज नदीपुर में बिजली पहुंचती है, जिसे पिछले हफ्ते यमुना में आई बाढ़ के साथ नदी में खड़े 5 खंभे गिर गए थे और एक हफ्ते पहले ही इन दिनों गांव में बिजली की आपूर्ति बंद हो गई थी। इन गांव में बिजली की समस्या दूर करने के लिए सलीमपुर बिजली घर के जेई प्रमोद कुमार विभागीय टीम के साथ नदी में पहुंचे थे। नदी में गिर गए खंभों को ठीक करते वक्त जेई नदी के तेज बहाव में बह गए, जहाँ बिजली विभाग के कर्मचारी के शोर मचाने पर लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई। बता दें कि जेई प्रमोद कुमार की नियुक्ति 2 साल पहले सलीमपुर बिजली घर में हुई थी। आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारे विद्युत विभाग के कर्मचारी श्री प्रमोद जी और उनके साथ पूरी टीम थी। यद्यपि उनको कहा गया था कि जब तक पानी का बहाव उस योग्य ना हो जाए कोई भी रेस्टोरेशन की कार्रवाई ना करें। ये चूँकि अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ जमुना क्रॉस होकर दूसरे गांव में बिजली को रेस्टोर करना था, लेकिन किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है तो कहना मुश्किल है, लेकिन इस घटना से बेटर हम बात तो फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहाँ बिजली विभाग के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो फरुखाबाद में बिजली विभाग के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन देखने को मिला, जहाँ बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है और XEN कर पुतला फूका है। ये मामला कयामगंज कोतवाली इलाके का है, जहां भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि अघोषित बिजली कटौती की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से भारतीय किसान यूनियन के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान, मैं मुन्नालाल सक्सेना, भारतीय किसान यूनियन भानू, महासचिव उत्तर प्रदेश, महासचिव किसान महासंघ उत्तर प्रदेश। आज हमने हैरान होकर परेशान होकर मुख्यमंत्री से लेकर और SDM कायम मतलब सभी के पास हमने सूचना दी, उनको बताया। आज 3 महीने से यहाँ की जनता परेशान है, बार बार उनको कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर विद्युत व्यवस्था, हर 10 मिनट के बाद बिजली चली जाती है, लोग परेशान है। कोई बेटिन में बात कासगंज की कर लेते हैं, जहां ग्राम प्रधान सहित रोजगार संघ का हड़ताल पर चला गया है। तो कासगंज में ग्राम प्रधान और रोजगार सेवकों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन पर पिछले साल कराए गए मनरेगा योजना के कामों का भुगतान न करने का आरोप भी लगाया गया है।
ग्राम प्रधान और रोजगार सेवकों का कहना है कि जब तक भुगतान नहीं किया जाता तब तक जिला मुख्यालय पर उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। जहां प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष बीके माथुर ने बताया है कि प्रधानों ने मामले को लेकर डीएम हर्षिता माथुर से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने प्रधानों को भुगतान से जुड़ा कोई आश्वासन नहीं दिया और मुख्य विकास अधिकारी के पास जाने को कहा, लेकिन मुख्य विकास अधिकारी ने भी भुगतान से जुड़ी कोई बात नहीं की। जिसके बाद अब ग्राम प्रधानों और रोजगार सहायकों की अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मामला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्राथमिकता वाली कार्य नाली गड़ंजा जहाँ कीचड़ बन गई, वहाँ पानी भर गया, कायाकल्प के काम, ये सारे काम हम लोगों ने अधिकारियों ने खुद स्वीकृति दे के, भाई जब कार्य कराने से पहले स्वीकृति ली जाती है संबंधित विभाग खंड विकास अधिकारी से, उन्होंने स्वीकृति देने के बाद हम लोगों से कार्य करा लिए कि भाई शासन का डंडा है, इस कार्य को प्राथमिकता में कर दीजिए। हम लोगों ने कार्य कर दिए, आज 8-10 महीना हो गए अभी तक पेमेंट ही नहीं हो रहा। बैठन में बात पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां महिला जिला अस्पताल की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पीलीभीत में महिला जिला अस्पताल की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। एक महिला ने जिला अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जहां मुख्यमंत्री और डीएम ने इंसाफ की गुहार लगाई है। साथ ही जानकारी के मुताबिक करेली थाना इलाके के बमरौली गाँव में महिला श्रद्धा प्रसव पीड़ा के बाद पति के साथ जिला अस्पताल पहुंची थी। आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टरों ने 3,700 रुपए रिश्वत ली और कई जगह साइन भी करवाए। ऑपरेशन के बाद लड़के का जन्म हुआ तो लेकिन महिला की ब्लीडिंग नहीं रुकी, जहां तमाम कोशिशों के बाद भी जब ब्लीडिंग नहीं रुकी तो महिला को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी गई। जब महिला प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुंची तो पता चला कि महिला की बच्चेदानी डैमेज हो चुकी थी। अब महिला ने मुख्यमंत्री और डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। समस्या है कि मेरी पत्नी श्रद्धा शर्मा, जिसको मैं 3 तारीख को प्रसव हेतु जिला महिला अस्पताल पीलीभीत लेके गया था, जहाँ पर मैंने उसको एडमिट कराया, जिसके उपरांत वहाँ के मुख्य डॉक्टर मुझको एक दूसरे रूम में ले जाकर 3700 रुपये मुझसे लेने के बाद ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। ऑपरेशन बताने के बाद करने के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ, जिसको कि स्टाफ बाहर लेके आया, और उसके काफ़ी समय हो गया जब पत्नी को बाहर नहीं आई, तो मैंने डॉक्टरों से पूछा तो डॉक्टरों ने बताया कि थोड़ा लापरवाही बरतने का आरोप लगा है, क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, ये अभी आप लोगों ने जो प्रकरण दिखाया है इसमें उन्होंने अवगत कराया है कि जिला महिला अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती हुई थी महिला, और बच्चा पैदा होने के बाद में ब्लीडिंग ज़्यादा हुई, जिसके बाद में उन्होंने बाहर कहीं इलाज कराया, बोतलें वगैरह चढ़ी हैं, तो उन्होंने लापरवाही की बात कही है। तो इसमें इस पूरे प्रकरण की संज्ञान लेते हुए हम इसकी जांच करा रहे हैं, दो डॉक्टरों के दल से इसकी जांच। तो बेटर में बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां मामूली कहासुनी के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। तो मुजफ्फरनगर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये मामला छपार गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मामूली कहासुनी को लेकर समुदाय विशेष के एक लड़के पर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जहां बीच बचाव करने आए किशोर के परिजनों पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया। अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। बेटर में बात बागपत की कर लेते हैं, जहाँ बागपत में 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो बागपत में इंसानियत शर्मसार हुई है, जहां 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बच्ची पड़ोस में छुट्टी पर घर आए फौजी को प्रसाद देने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान फौजी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने आरोपी फौजी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। हाँ, बच्ची मेरी दुष्कर्म पड़ती है, तो मुझे जानकारी मिली फोन पे, भाई ऐसा हुआ, तो मैं भी आया पता लेने के लिए, भाई क्या बात हुई, बच्ची स्कूल नहीं आ रही थी, मेरे स्कूल में पढ़ रही थी, साकरोद में गुडलक पब्लिक स्कूल में, अच्छी होनार बच्ची थी, मुझे पता लगा, बड़ा दुख हुआ भाई, ऐसी घटना हुई है, सुनने में आया मेरे। बच्ची करीब 10 साल की है, 5th क्लास में। बहुत अच्छा व्यवहार, एकदम बढ़िया बच्ची है, अच्छी बच्ची, पढ़ने वाली बच्ची है, क्लास में हमेशा बहुत अच्छे नंबर लेके आ रही थी, बहुत अच्छे। ये लड़की प्रसाद देने गई थी, इसके अंकल वे लेकर आए थे कावड़, इसकी मतलब अम्मा ने भेज दी कि प्रसाद दे आओ, तो जैसे प्रसाद दे कर वह आने लगी और तो उस लड़की को जब पकड़ धकड़ करी उसके साथ में एकदम सही, तो लड़की डर गई।
वेटर में बात हमीरपुर की कर लेते हैं, जहां युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। तो हमीरपुर से युवती के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक युवती खेत में चारा लेने गई थी, इसी दौरान पड़ोस के तीन युवकों ने किशोरी के साथ खेत में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। या किशोरी के घर ना पहुंचने पर जब उसका भाई खेत में पहुंचा तो उसे देखकर तीनों युवक फरार हो गए। या पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम अभी खेतों पे गए थे चारा ले, तीन लड़के आए हमको गन्नों को खेती पे ले गए। इसके बाद हमारी गंदी हरकतें करी हमने, इसका नाम है अमित, इसका नाम हम चुका। बेटन में बात ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। तो ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई, जहां मुठभेड़ में थाना इको टेक 3 पुलिस के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने दरोगा की पिस्टल छीनने की भी कोशिश की, जहाँ गिरफ्तार बदमाश के पर दोस्त की 14 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक लड़की के पिता ने कुछ दिन पहले ही एक प्लॉट बेचा था, जहां प्लॉट की रखी रकम को लूटने के इरादे से बदमाश ने दोस्त की बेटी की हत्या कर दी थी। यहां लड़की के पिता ने दोस्त पर ही शक होने की जानकारी दी। आरोपी दोस्त को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। कल 18 जुलाई को दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि डॉक्टर सुदर्शन बैरागी, जो कि अपने परिवार फैमिली और दो बच्चों के साथ में अपने क्लिनिक पे थे, उनकी एक 14 वर्षीय बच्ची घर पे थी। और जब वे क्लिनिक से घर पहुँचे तो देखा कि उनकी बच्ची का गला घोट किसी ने हत्या कर दी है, और घर पे नकदी और जेवर लगभग 15 लाख रुपए और कुछ जेवर वहाँ से लूट लिए हैं, और बच्ची को फलिक्स हॉस्पिटल में ले। आखिरी में बात फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहाँ सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो फरुखाबाद में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में फरुखाबाद के लाल दरवाजा फवारे के पास ARTO प्रशासन की गांधीगिरी देखने को मिली है। जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उन्हें गुलाब का फूल देकर समझाया गया, और लोगों से प्रशासन ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की, ताकि सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश में के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC News।